हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जी पी दायमा है। मैं राजकीय शाखा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय सम्मिलित में बॉटनी का सहचारी हूँ। आज मैं आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के बारे में बताऊंगा। फोटोसिस्टम फर्स्ट में एटीपी के निर्माण को साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन तथा फोटोसिस्टम सेकंड में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कहते हैं। एनएडीपी से एनएडीपीएच का उत्पादन पीएच सेकंड में होता है, परंतु जल से एनएडीपी तक इलेक्ट्रॉन अभिगमन में दोनों ही तंत्र प्रयुक्त होते हैं। इन पथों का ग्राफ में निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला की जेड अक्षर के समान होता है, अर्थात जिगजैग दिखता है, इसलिए इसको जेड से भी कहते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको फोटो साइक्लिक जो फोटो फॉस्फोरेशन है, चक्रीय जो प्रकाश फॉस्फोरेशन, उसके बारे में बताऊंगा। इसमें आप जिसे डायग्राम में देख रहे हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रयुक्त होता है। चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण तब होता है जब CO2 का स्वयंकीकरण कम होता है तथा NADPH प्लस HAN एकत्रित हो जाते हैं तथा अन्य उपापचय क्रियाओं के लिए ATP आवश्यकता होती है। 700 nm के लाल प्रकाश के अवशोषण से पीएस फर्स्ट क्लोरोफिल एवं सहायक वर्णक को प्रकाश अवशोषित कर उसे अभिक्रिया केंद्र अर्थात क्लोरोफिल A700 को स्थानांतरित कर देते हैं। इससे पीएस फर्स्ट का जो वर्णक अणु जो है P700 वो उत्तेजित हो जाता है। आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसमें ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर निकलता है, P700 ऑक्सीकृत हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को पीएस फर्स्ट तंत्र का क्लोरोफिल ए अथवा A1 अणु ग्रहण कर लेता है तथा इसका अपचयन तथा इसका स्थानांतरण जो है वो A2 को हो जाता है, जो कि एक FES प्रोटीन होता है। इससे इलेक्ट्रॉन A3 अथवा P430 वर्णक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तथा ये अपचयित हो जाता है। अपचयित A3 से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण फेरेडॉक्सिन अपचयनकारी पदार्थ के माध्यम से फेरेडॉक्सिन यानी FD में को हो जाता है। उपापचय परिस्थितियों यानी NADPH प्लस HAN के दिखते कारण अपचयित FD NADP अपचयित NADP को अपचयित नहीं कर पाता, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B563 को स्थानांतरित हो जाता है। इस दौरान एक ATP बनता है। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाहक प्लास्टिक आयन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा साथ ही थाइलेकर्ड की झिल्ली की बाहरी और प्रोटॉन भी इसे जुड़ जाते हैं तथा यह जो है प्लास्टो हाइड्रो क्विनोन में परिवर्तित हो जाता है। अब PQS2 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F को स्थानांतरित होते हैं, जबकि प्रोटॉन मुक्त होकर थाइलेकर्ड झिल्ली की दूसरी ओर अर्थात भीतर की ओर चले जाते हैं। इस दौरान एक ATP का निर्माण होता है। अपचयित साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन पहले प्लास्टोसाइनिन तथा उससे वापस जो है ऑक्सीकृत P700 को चले जाते हैं तथा यह पुनः सामान्य अवस्था में लौट आता है। इस प्रक्रिया में जो है दो ATP बनते हैं। अब मैं आपको जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में बताऊंगा। अचक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों प्रयुक्त होते हैं। पीएस सेकंड यानी P680 प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तथा क्लोरोफिल A680 अणु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। P680 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन फ्यूफाइटिन नामक मध्यवर्ती ग्राही यौगिक को स्थानांतरित हो जाते हैं एवं यह अपचयित हो जाता है। अब इससे इलेक्ट्रॉन ग्राही क्विनोन पहले QA से तथा इससे QB से होते हुए साइटोक्रोम B6 F संकुल यानी साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाते हैं। साइटोक्रोम B6 F संकुल से QB से संकुल में QB से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाहक प्लास्टोकाइनेज को स्थानांतरित होते हैं, साथ ही माध्यम में प्रोटॉन भी इससे जुड़ जाते हैं तथा PQS2 बन जाता है। PQS2 से इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स के साइटोक्रोम F को चले जाते हैं, जबकि प्रोटॉन बाहर माध्यम में चले जाते हैं। यहाँ पर ATPase संकुल की सहायता से ATP संश्लेषण भी होता है। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन पहले प्लास्टोसाइनिन फिर पीएस फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र को स्थानांतरित हो जाते हैं, जो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ऑक्सीकृत अवस्था में होता है। पीएस फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरिलीकरण में उनके स्थानांतरण की भांति फेरेडॉक्सिन को स्थानांतरित हो जाते हैं। इससे फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के माध्यम से इलेक्ट्रॉन NADP
तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही माध्यम से दो प्रोटॉन इससे जुड़ जाते हैं तथा NADPH2 बन जाता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पीएस सेकंड के पीएच 680 से पीएस फर्स्ट के पी 700 तथा अंत में एनएडीपी को होता है, अतः पीएच 680 आक्सीगत अवस्था में इलेक्ट्रॉन अज्ञात यौगिक जेड संभवतः क्विनोनाइट के माध्यम से पी 680 को स्थानांतरित होते हैं तथा पी 680 जो है पुनः सामान्य अवस्था में आ जाता है। इस दौरान जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और इवोल्यूशन ऑफ बी ऑक्सीजन का भी इसमें होता है। जल का प्रकाश अपघटन जल ऑक्सीकारी एंजाइम संकुल की उपस्थिति में होता है जो S0 से S4 तक पांच अवस्थाओं में रहता है। इसके लिए जो है मैग्नीशियम मैग्नीज आयन और क्लोरीन आयन की उपस्थिति आवश्यक होती है। एंजाइम S, Z, M, Q एवं P680 सभी एक संकुल के रूप में कार्य करते हैं तथा M अणु ऑक्सीजन की विमुक्ति में सहायता करता है। जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न जो हाइड्रोजन आयन है NADP द्वारा ग्रहण किए जाते हैं जिससे NADH2 का निर्माण इसमें आप होता है, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। चक्रीय के फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 ATP तथा जो नॉन चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में 1 ATP ऑक्सीजन एवं 2 NADPH2 अणु प्राप्त होते हैं। अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन चक्र उच्च पादपों में तथा चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन जीवाणु में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन में एक्सोशर्करा की एक अंक संश्लेषण के लिए 18 ATP एवं 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन के 6 चक्रों के पूर्ण होने पर प्राप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।